आगरा से आपको बड़ी खबर बता दें, मोबाइल और टेलर की दुकानों में लगी भीषण आग। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, आग में लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। मोबाइल और टेलर की दुकानों में लगी है भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर टेलर की दुकान पर आग लग गई है, मोबाइल की दुकान पर भीषण आग लगी। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आगरा से, मोबाइल और टेलर की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। थाना सिकंदरा के रुनकता क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आग लगने का क्या कारण है? जी अजेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पता चल पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी है? देखिए, आग का आग अभी तक कारण पता नहीं लग पाया है। अभी तक यही प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। लेकिन थाना सिकंदरा इलाके के रुनकता का ये पूरा मामला है, जहां मोबाइल और जो टेलर हैं उनकी दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह भीषण आग है, और आग आसपास की जो दुकान है उन तक भी पहुंच गई थी। लेकिन बमुश्किल दमकल की गाड़ियां यहां पर आई और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अगर बात की जाए नुकसान की, तो लाखों रुपए का नुकसान अभी तक इसमें आका जा रहा है। जी अजय, इन तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर मोबाइल और टेलर की दुकानों में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।